नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और केएल राहुल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का 43वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। आरसीबी की टीम लखनऊ के होम ग्राउंड में खेलने उतरेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच दमदार टक्कर होने की उम्मीद लगाई जा रही है। आईपीएल 2023 का 43वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस मुकाबले के लिए लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में उतरेंगी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने पिछले मुकाबले में पंजाब को एक तरफा हराया था। वहीं आरसीबी की टीम को उसके आखिरी मैच में हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, अगर पॉइंट टेबल की बात की जाए तो लखनऊ की टीम 8 में से 5 मुकाबले जीत दर्ज कर तीसरे स्थान पर काबिज है। दोस्तों, आरसीबी की बात करें तो उसका प्रदर्शन इस सीजन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। आरसीबी की टीम को 8 मैचों में जीत मिली है तो 4 मैचों में से हार का सामना करना पड़ा है। इसे में आरसीबी की कोशिश है कि वह जीत के साथ दमदार वापसी करना चाहेगी। वहीं लखनऊ की बात करें तो इस मैदान पर टीम ने 4 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 2 में जीत तो 2 में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, फाफ डू प्लेसिस, मैक्सवेल और स्टोनिस में एक बेहतरीन बल्लेबाज कौन है, नीचे कमेंट में हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, खिलाड़ियों से सजी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम लखनऊ के खिलाफ अपने घरेलू मैदान में मिली हार का बदला लेने उतरेगी। दोस्तों, अगर बात की जाए आरसीबी के प्लेइंग 11 की तो विराट कोहली के साथ पारी की शुरुआत करते फाफ डू प्लेसिस नजर आ सकते हैं। टीम के कप्तान एवं दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी फाफ डू प्लेसिस अभी तक 8 मैचों में 422 रन बनाकर जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। दोस्तों, वहीं बात की जाए भारतीय स्टार विराट कोहली की तो उन्होंने 8 मैच खेलकर 333 रन बनाए हैं। दोस्तों, वहीं बात करें नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए शहबाज अहमद आ सकते हैं, लेकिन उनका बल्ला अभी तक खामोश है। दोस्तों, वहीं 4 नंबर की बात की जाए तो ग्लेन मैक्सवेल आएंगे, जो अपनी पावर हिटर के लिए जाने जाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल इस समय अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए महिपाल लोमरोर आ सकते हैं, जो पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी। इसके बाद नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए दिनेश कार्तिक आएंगे, लेकिन इस सीजन उनका भी बल्ला खामोश नजर आ रहा है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे सुयश प्रभु देसाई। दोस्तों, उसके बाद आएंगे डेविड बिल्ली के बाद आएंगे हसरंगा के बाद बल्लेबाजी करने के लिए विजय कुमार आएंगे। 11 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आएंगे। दोस्तों, हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।